भारत के और विश्व के किसानों को और ख़ास करके कपास के किसानों को कॉटन गुरु का सादर नमन। 2019 का वर्ष शुरू हो गया है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस साल से। हमें काफ़ी किसानों के हमें फ़ोन, ईमेल और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि कपास के भाव कब बढ़ेंगे, और अब तो कुछ किसान ये चिंता जता रहे हैं कि कपास के भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कपास के भाव, भारत में कपास के भाव दो चीज़ों पर निर्भर हैं। एक है घरेलू बाज़ार में कपास की क्या मांग है, क्या डिमांड है, और दूसरा विश्व बाज़ार में कपास की क्या स्थिति है। घरेलू बाज़ार के बारे में बात करें तो अक्टूबर के बाद सूते और कपड़े में बाज़ार बहुत ख़राब है, डिमांड बहुत कम है, इसीलिए पेमेंट क्राइसिस जैसी परिस्थिति हो गई है। इसी कारण कपास के भाव 3 महीने में आपने देखा होगा सीज़न की शुरुआत में 5,600 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक जो भाव हो गए थे कपास के, वो आज 5,000 से लेकर 5,600 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं। 3 महीने में निरंतर कपास के भाव कम हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण घरेलू बाज़ार में सूते और कपड़े में डिमांड की कमी और पैसों की परिस्थिति में जो 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 टाइटनेस हमें दिख रही है वो कारण है। विदेशी बाज़ार को हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को हम देखें, तो अमेरिकन कॉटन निरंतर नीचे जा रहा है। 85 सेंट प्रति पाउंड का अमेरिकन कॉटन आज 70 से 74 का सेंट प्रति पाउंड के बीच में चल रहा है। तो ये जो 10 से 12% की कमी अमेरिकन कॉटन में आई है, इसी वजह से भारत का कपास भी नहीं बढ़ पा रहा है। रुई में भी भाव बहुत ही कंट्रोल में रहे हैं, रेंज में रहे हैं। अमेरिकन कॉटन बढ़ने की एक ही उम्मीद वहाँ पे लोग जता रहे हैं, चीन और अमेरिका के बीच में अगर संधि हो जाए, उनका करार हो जाए और अमेरिकन कॉटन की खरीदी चीन शुरू कर दे, तो अमेरिकन मार्केट फिर से जंप करेगा, और जैसे ही वो मार्केट जंप करेगा भारत में भी बाज़ार तुरंत बढ़ेगा। पर वो कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ये एक चर्चा और चिंता का विषय है। कल 9 जनवरी को बीजिंग में चीन में अमेरिका और चीन के अधिकारियों की जो मीटिंग हुई, उसमें कुछ उम्मीदें आज उभर कर बाहर आई हैं। उनमें एक करार हुआ है जिसके अंतर्गत चीन अमेरिका से कपास और सोयाबीन की खरीदी करेगा, और ये खरीदी अगर तुरंत शुरू हो जाती है तो हमें भाव में बढ़ोतरी दिखेगी। पर ये अगर नहीं होती है और ये समय ले लेता है तो फिर कपास और रुई में भाव बढ़ने की उम्मीद है, और थोड़े समय तक हमें राह देखनी पड़ेगी। और किसानों को क्या करना है, आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से किसानों की अलग अलग मांगे आ रही हैं कि हमारे यहाँ ये कमी है, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए। हमारी कॉटन गुरु की आपसे दरख्वास्त है, अपनी कमी को फोकस करके ऐसी चीज़ें सरकार को सूचन कीजिए कि वो सरकार को करना ही पड़े, और उसके लिए उससे वो खोने से आपका हमेशा का लाभ हो। दो चीज़ें जो हमें समझ में आ रही हैं, इतने सारे किसानों के साथ काम करके 50,000 किसानों के साथ हमने कंटिन्यूस संपर्क बनाए रखा है, और 20,000 किसानों को हम 2018 के वर्ष में प्रत्यक्ष मिले हैं, उससे हम ये आपको बोल सकते हैं, किसान मित्रों, दो चीज़ें आपको हमेशा लाभ देंगी। एक है बेस्ट क्वालिटी के सीड, कॉटन सीड, अगर आप सरकार से मांग लें कि वो रिसर्च को कहीं ना रोके, रिसर्च को आगे बढ़ाए, और बेस्ट क्वालिटी के सीड अगर वो किसानों तक लाके दे जो भारतीय हवामान को सूट हो, तो वो आपको बहुत लंबे समय तक फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ है 24 घंटे की लाइट, सभी जगह सभी को लाइट की आवश्यकता है, किसानों को भी है, खेती को भी आवश्यकता है। तो ये अगर उत्कृष्ट सीड और 24 घंटे की लाइट किसानों को मिल जाती है, तो मुझे नहीं लगता भारत के किसान कहीं भी कम पड़ेंगे कपास की खेती में नफ़ा करने में। आपको क्या करना होगा, तब तक ये मांग आपकी पूरी हो या ना हो, तब तक अपने खेत में जाके अपनी मिट्टी का आपको आयोजन और नियोजन सही तरह से करना होगा। ब्राज़ील में मित्रों 9 इंच का वो मिट्टी का लेयर बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत थिक लेयर बनाते हैं, बारिश कम हो या ज़्यादा उनका प्रोडक्शन यील्ड, उनका उत्पन्न कभी कम नहीं होता है। तो यही कारण है कि आप भी ये करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अगले साल भी बारिश कम होने की संभावना है। इसी कारण से आप अपने एरिया में इरीगेशन स्कीम्स जो गवर्नमेंट की, आप उसका लाभ ले सकते हैं, इरीगेशन का विस्तार आप बढ़ा सकते हैं, चेक डैम बना सकते हैं। इसके लिए आपको FPO या आपने अगर ग्रुप बनाए तो सरकार की तरफ से आपको काफ़ी लाभ भी है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी होगी वो है मार्केटिंग स्किल्स, उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अच्छी मार्केटिंग स्किल्स सीख ली है या सीख लेंगे, तो आपको माल बेचने में बहुत फ़ायदा होगा, और
नफ़ा तो होगा ही होगा। कॉटन गुरु के हर एक वर्कशॉप में हम स्किल्स के बारे में किसानों को बताते हैं, तो इस बारे में आपको कभी भी कोई जानकारी या मदद की ज़रूरत लगे तो कॉटन गुरु को संपर्क कर सकते हैं। और इस साल के लिए हमारी आपसे ये राय है कि आपका खर्च आपने अगर हिसाब कर लिया है तो उतने खर्च का कपास तुरंत बेच दें, बाज़ार भाव से बेच दें अगर अभी आपने नहीं बेचा है तो, और उसके ऊपर का जो कपास है वो आप थोड़े समय तक रोक सकते हैं कि अमेरिका और चीन में क्या होता है। 22 जनवरी को उनकी दूसरी मीटिंग है, उसके बाद हमें और पिक्चर क्लियर होगा। तो ये अगर संधि हो जाती है, करार हो जाता है और रुई बाज़ार बढ़ती है तो उसका लाभ आपको मिलेगा, नहीं होता है तो फिर अगले सिग्नल के लिए हमें रुकना होगा, नहीं तो एक दो महीना हमें और यहाँ की घरेलू बाज़ार की तकलीफ है तो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो 2019 के लिए कॉटन गुरु की तरफ से आपको शुभ मंगल कामना।